नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक फ्रेश एपिसोड पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे डेंजरस एप्लीकेशंस जो कि प्ले स्टोर में फ्रीली अवेलेबल है दोस्तों। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा अपने आप को सेव करने के लिए। तो इस वीडियो का बनाने का पर्पस है आप लोगों को सेव करना, आपके दोस्त या फिर कोई भी आपको बुद्धू नहीं बना सके और इस एप्लीकेशन से आपको या फिर आपके पर्सनल डेटा को कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ऑडियो वीडियो एडिटिंग के ऊपर और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर आप वीडियो देख पाए और अपने आप को एक टेक्नोलॉजिकल अपवर्ड पर्सन बना पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला ऐप है एनी नंबर कॉलर दोस्तों। तो इस ऐप का नाम है कॉल इंडिया इंड कॉल। तो इससे आप मेनली कोई भी नंबर से कोई भी नंबर को कॉल कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली यहां पर आप जो नंबर डालेंगे वही नंबर से आप दूसरे नंबर्स को कॉल कर पाएंगे। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, पहले एक नंबर एंटर कर लूँ मैं, फिर सिंपली वो एरो दबाइए तो आपके सामने एक कॉलर आ जाएगा दोस्तों। तो आप सिंपली कोई भी नंबर से जो आपने पहले इंटर किया था उससे आप कोई भी नंबर को कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको क्रेडिट्स खरीदना पड़ेगा जो कि आप एड फैड देख के या फिर कुछ ऐप्स डाउनलोड करके आप क्रेडिट इससे खरीद सकते हैं। तो मानो कि एक दोस्त के नंबर से आप दूसरे दोस्त को कॉल कर सकते हैं और उस दोस्त को लगेगा कि आपके दूसरे दोस्त ने कॉल किया था। तो ये बहुत ही एक प्रैंक ऐप है, लेकिन इसे बहुत ही गलत तरीके से भी यूज किया जा सकता है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट ऐप है नंबर 2 रिमोट ट्रैकर। तो इस ऐप डेवलप करने के पीछे रीज़न कोई और था और इसे यूज करते हैं लोग कोई और रीज़न के लिए दोस्तों। तो ये मेनली एक चैट विद पेरेंट्स या फिर फाइंड योर पेरेंट्स ऐप है जो कि यूज़ करते हैं पेरेंट्स लोग अपने बच्चों की लोकेशन या फिर सब कुछ ट्रेस करने के लिए दोस्तों। अपने बच्चे कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे क्या कुछ कर रहा है, सब कुछ देखने के लिए दोस्तों। तो इससे आप बेसिकली बहुत कुछ ट्रेस कर सकते हैं दोस्तों, और ये इससे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों प्लेसेस कहाँ पर वो गया था, अपना विक्टिम कहाँ गया था, कहाँ पे चेक है और लाइव लोकेशन सब कुछ ये ऐप आपको बता देगा दोस्तों। तो सावधान रहिए दोस्तों, कोई भी दोस्त या फिर कोई भी अपने पेरेंट्स आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल नहीं कर दे तो आपके फ़ोन की एक से बढ़कर एक चीज़ आप उनको पता चल जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लाइव रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन के आसपास कौन है और क्या रिकॉर्ड हो रहा है, उसके माइक का भी एक्सेस ये ऐप ले लेता है दोस्तों। तो ये बहुत ही खतरनाक ऐप है और ये शायद ये टॉप ऐप होगा। अगर आप देख सकते हैं इसमें आप, अगर आपके बच्चों या फिर विक्टिम का फोन साइलेंस में है तो ये रिंग अलार्म बेल दबाने से साइलेंट होने के बावजूद एक बहुत ही जोर से उसमें साइरन या फिर अलार्म बजेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा ऐप यूज़ किया है और कितने टाइम तक, वो भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं आपके बच्चे क्लास में जा रहे हैं या फिर फ़ोन से खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फ़ोन से ही खेल रहे हैं दोस्तों। और इसमें आपको बैटरी परसेंटेज भी आपको मिल जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और मैप आप सैटेलाइट मैप से लेके नॉर्मल मैप कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो ये ऐप एकदम मस्ट है आप लोगों को यूज़ करने के लिए। और आप लोगों को मैं सेव करना चाहता हूँ और सावधान रहिए, ये ऐसी तरह के ऐप अपने दोस्तों या फिर कोई भी किसी को भी इंस्टॉल करने ना दे दोस्तों। तो हमारा थर्ड ऐप ऑन द लिस्ट इज द सीक्रेट कैमरा दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे बहुत सारे ऐप्स बाजार में आए हैं, जैसे कि ये है सैलियंट आई। तो इससे आप अपने फ़ोन को एज ए एक सिक्योरिटी कैमरा आप इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। आपके ऑफिस में या फिर आपके घर में रख दीजिए, एक कोने में आपका कोई पुराना फ़ोन या फिर टैबलेट इससे कनेक्ट करके आप रख दीजिए, तो आपका ये सीसीटीवी कैमरा जैसा बिहेव करेगा। और इसके एडिशनल फीचर्स में बोलूँ, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ इसको, कि कोई भी मोशन होने से ये बहुत ज़ोर से अलार्म या फिर साइरन बजाएगा जो कि आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो साइरन बजाने से अगर कोई भी वो साइरन ऑफ करने जाएगा तो उसका फ़ोटो आपके जो मेन फ़ोन है, जो कि सैलियंट रिमोट ऐप अपने मेन फ़ोन में रहेगा और ये वाला ऐप आपके विक्टिम या फिर कैमरा फ़ोन में रहेगा दोस्तों, तो उसमें आपका पिक्चर चला जाएगा। और अगर नेक्स्ट ऐप बोलूँ तो ये मेरा फेवरेट ऐप है दोस्तों, इसका नाम है पीसी रिमोट। तो इससे आप प्रैक्टिकली बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, इसके इनरमस और एंडलेस आप पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों। तो पहले आप लोग ऐसे ब्लूटूथ या फिर वाईफाई या फिर डेटा केबल या फिर कुछ भी
आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि देख सकते हैं, इससे आप एज ए माउस यूज़ कर सकते हैं, इसमें एज ए गेम कंट्रोलर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शूटिंग गेम्स, GTA, बहुत सारे गेम्स हैं। यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर में पबजी एमुलेटर से पबजी खेल रहे हैं, तो आपके फ़ोन को एज अ कीबोर्ड या फिर एज अ गेम कंट्रोलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चीज़ है दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं इस ऐप को क्या दिया गया है दोस्तों। तो ऐसे प्रोजेक्टर में लगा के आपके PC का स्क्रीन आपके फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, और अपने फ़ोन को अपने PC से कंट्रोल कर सकते हैं, वाइसी वर्सा। तो जैसे अपने फ़ोन को एज ए एक्सटर्नल वेबकैम आप यूज़ कर सकते हैं, एज एन एक्सटर्नल माइक आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप अपने माउस भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके कोई वायरलेस माउस आपको चाहिए, तो अपने फ़ोन को भी, एक पुराने फ़ोन को भी एज ए वायरलेस माउस पैड या फिर माउस आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऐप है, और मुझे लगता है ये क्यों फ्री में दिया गया है, तो ये पेड ऐप्स होना चाहिए, क्योंकि इसके पॉसिबिलिटीज बहुत है और ये बहुत ही सही तरह से काम करता है दोस्तों। तो इस ऐप के बारे में एक नया वीडियो और एक फ्रेश वीडियो तो बनता है, तो मैं बाद में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक नॉर्मल ऐप जो कि आपके फोन को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों। तो सब ऐप्स के लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब लोग अवेयर हो पाए और ऐसे ही फ्रॉडलेंस से बच पाए। So, it's your host Swarnos signing off.